स्टूडेंट्स uh, हमने प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस के ऊपर बात कर ली है और अब हमने ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन पढ़ने हैं मगर उससे को पढ़ने से पहले हम थ्योरी ऑफ रैंडम असाइनमेंट के ऊपर बात करेंगे कि रैंडम असाइनमेंट क्यों ज़रूरी होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रेंडम असाइमेंट्स फेसिलिटेट काजुलेंस बाई मेकिंग सैम्पल्स रैंडमली सिमिलर टू ईच अदर जब आप रैंडमली असाइन करते हैं सब्जेक्ट्स को बहुत इन ट्रीटमेंट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप तो उससे जो इंफ्रेंस आप ड्रा करेंगे वो जो है ज़्यादा रिलायबल है ज़्यादा वैलिड है रैंडम असाइनमेंट इज़ नॉट अ रैंडम सैम्पलिंग हम पॉपुलेशन से सैम्पल जो है रैंडमली वो पहले सेलेक्ट कर चुके होते हैं उसके बाद हम जो है जो है, 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 है रैंडम असाइनमेंट करते हैं सब्जेक्ट्स की इनटू ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप एंड रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल फ्राम पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्राम द रैंडम असाइनमेंट ये दोनों जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं अब इसको मैं आपको अगर इस पिक्चर के थ्रू समझा सकूँ तो देखें कि पहले हमने अपना जो है सैम्पल सेलेक्ट करना है फ्राम द पॉपुलेशन जो कि रैंडम प्रोसेस से सिलेक्ट होगा उसके बाद हमारे पास वो सैम्पल एज अ पूल ऑफ सब्जेक्ट आ जाएगा अब इस पूल ऑफ सब्जेक्ट में से हमने रेंडमली असाइन करने हैं कुछ लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और कुछ लोग कंट्रोल ग्रुप में जब हम इनको रेंडमली असाइन करेंगे तो इसमें जो है डिस्पेरिटी नहीं होगी बिटवीन द सब्जेक्ट्स एक होमोजीनियस ग्रुप होगा दोनों तरफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी और कंट्रोल uh, ग्रुप में भी अगर हम इस प्रोसेस को रैंडमली ना करें तो फिर यहाँ पे हाइट्रोजीनिटी बढ़ जाएगी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है रैंडम असाइनमेंट इंश्योर्स दैट अल्टरनेटिव काजेज आर नॉट कन्फाउंड ट्रीटमेंट कंडीशन यानी जो सब्जेक्ट्स की uh, जो एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स हैं या जो पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो अफेक्ट ना करें जो आपकी इंटरवेंशन है वो उसको रैंडम असाइनमेंट रिड्यूस द प्लाजिबिलिटी ऑफ थ्रेड्स टू वेलिडिटी बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेंडमली ओवर कंडीशन जब सैम्पल रैंडमली आपने सेलेक्ट करने के बाद रैंडमली असाइन किया है इसको दोनों ग्रुप्स में तो आपकी जो वैलिडिटी के थ्रेट्स हैं वो कम हो जाते हैं एंड रैंडम असाइनमेंट इक्वेट्स ग्रुप्स ऑन दी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑल वेरिएबल्स एट प्री टेस्ट मैर्ड और नॉट जब आपने uh, दोनों ग्रुप्स को इक्वेट uh, कर दिया है uh, दो ग्रुप्स को तो उसमें फिर ये हम ज्यूम करते हैं कि उनकी वैल्यूज सिमिलर टू ईच अदर होंगी तो अगर आपने प्री टेस्ट नहीं भी किया तो तब भी आप इस जम्पन को ले सकते हैं कि दोनों ग्रुप्स जो है सिमिलर टू ईच अदर हैं रैंडम असाइनमेंट्स अलाउज द रिसर्चर टू नो एंड मॉडल द सेलेक्शन प्रोसेस करेक्टली आप जब रैंडम असाइनमेंट करते हैं तो उसके बाद आपको पता होता है कि आपने किस रिसर्च डिज़ाइन में क्या स्टेप्स फॉलो करने और किस रिसर्च डिज़ाइन में कौन से रिसर्च स्टेप नहीं फॉलो होने तो इस वजह से जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हैं उसमें रैंडम असाइनमेंट एक बड़ा एलिमेंट है जो कि इसमें कि हम समझते हैं कि इसकी मेजर जो है रीज़न है जो एक्सपेरिमेंट की जिसकी वजह से हम इसको ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं